नमस्कार दोस्तों, अब ट्रेडिंग होगी बहुत ही आसान क्योंकि जीरोधा ने लॉन्च कर दी है अल्गो ट्रेडिंग, जिसका हम सबको बहुत दिनों से इंतजार था। अब जीरोधा ने इसको लॉन्च कर दिया है। ये अल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है इसको मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो को देखते रहिए इन सब के बारे में जानने के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये केवल एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये अल्गो ट्रेडिंग होता क्या है। ये अल्गो ट्रेडिंग मतलब अल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग होता है, जिसको एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रेड लेता है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ वैल्यू सिलेक्ट करना है, आप जो पैरामीटर यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उन सब पैरामीटर को आपको सेट करना है। जब कोई ट्रेड आपके सेट किया हुआ पैरामीटर को मीट करेगा तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब आप मैन्युअली उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके टाइम सिंक्रोनाइजेशन उतना सही नहीं होता है, एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए अल्गो ट्रेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानना जरूरी है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल्स हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये हमारे लिए काम करता है। तो इसके लिए मैं जीरोधा के साइट में लॉग इन हो जाता हूँ। अगर आपके अकाउंट जीरोधा में है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली लॉग इन हो सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे लॉगिन होके कैसे आप इसको अल्गो ट्रेडिंग को यूज करेंगे। मैं आपको इसलिए ले चलता हूं जीरोधा के साइट के ऊपर। देखिए, अब मैं आ चुका हूं जीरोधा के जो अल्गो ट्रेडिंग है उसके डैशबोर्ड के ऊपर। यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि ये अल्गो लिखा है। अल्गोस मतलब जो भी ट्रेड आप सेटअप करेंगे यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मैं दो ट्रेड सेटअप कर चुका हूँ, वो टेस्टिंग के बेसिस पे किया था, तो यहाँ पे 2 शो कर रहा है। कितने बैक टेस्ट किया है, ये 18 बैक टेस्ट मैंने अब तक कर चुका हूँ। तो ये बैक टेस्ट होता क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे आप ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद ये डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि कितने बार आपने कंफर्म किया है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंफर्म पे क्लिक किया है ये डिप्लॉयड पे शो करेगा। और उसके बाद अलर्ट जो ट्रेड आपके लिए एग्जीक्यूट रहेगा या फिर जो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा वो सब यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद फंड, आपके अकाउंट में जो भी फंड बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा फंड के अंडर में। अगर आप थोड़ी ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल अल्गोस लिखा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है इन्होंने, 7 SMA हायर देन 5 SMA, जब 7 SMA 5 SMA से अधिक होगा तब ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकल वे पे भी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अगर आप इस ट्रेड को लेते हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल देकर इन्होंने दिखाया है कि आपको 17,500 रुपीज का प्रॉफिट होता। नीचे अगर आएंगे तो RSI ओवरसोल्ड वाला भी एक एग्जांपल दिया है इन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में टेस्ट और टेस्ट वन, ये जो टेस्ट एंड टेस्ट वन ये मैंने ही एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पे आप जब एग्जीक्यूट करेंगे अपने साइट पे तो आप जो पैरामीटर को लेकर एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे शो करेगा राइट हैंड साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माई टॉप परफॉर्मर, जो भी आपके टॉप परफॉर्मर रहेगा यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेस्ट वन केस लिया था तो यहाँ पे शो कर रहा है टेस्ट वन। तो आइए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जो क्रिएट लिखा है, क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए, अब मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर ट्रेड लेने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लिखा है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिक्योरिटी या फिर स्टॉक। यहाँ पे कोई भी स्टॉक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक या मल्टीपल स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए इन्फी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे स्टॉक या फिर फ्यूचर ऑप्शन को भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इन्फी को सिलेक्ट किया। और उसके बाद मैं इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करता हूं तो मेरा कैंडल 5 मिनट का बेहतर रहेगा मेरे लिए, तो मैं 5 मिनट का कैंडल लेता हूं। और उसके बाद मैं बाय पोजीशन इनिशिएट करना चाहता हूं। यहां पे आप कोई भी एक पोजीशन इनिशिएट करते हैं, बाय या सेल, मल्टीपल टाइप ऑफ पोजीशन इनिशिएट नहीं कर सकते, एक ही डायरेक्शन में आप इनिशिएट कर सकते हैं, आइदर बाय और सेल। चलो मैं और एक इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर देता हूँ, SBIN। मैं 2 इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर दिया। अभी मैं 100 क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा, मुझे 100 क्वांटिटी बाय करना है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप आर अन इंडिकेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको पता ही होगा कि क्या क्या पैरामीटर लेके वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स है, इन सबको यूज करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज लेता हूं। ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज का लेता हूं। सिंपल मूविंग एवरेज मैं इंट्राडे के लिए करता हूं, तो इसलिए मेरा कम होना चाहिए। सपोज मैं 5 दे देता हूं सिंपल मूविंग एवरेज, 5 सिलेक्ट करता हूं और कंपेयर किससे करूंगा, जब जब 5 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करेगा, क्रॉसओवर क्रॉसेस अबव 7 मूविंग एवरेज, यहां पे मैं 7 दे देता हूं। जब जब ये 5 सिंपल मूविंग एवरेज 7 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करेगा तो मैं ट्रेड सेटअप करना चाहता हूं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 5 सिंपल मूविंग एवरेज 7 सिंपल मूविंग एवरेज कैसे क्रॉसओवर करता है, मैं एक ग्राफ में आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए ये SBIN का एक ग्राफ है। यहां पे मैं क्या सिलेक्ट किया हूं आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेज 5, मूविंग एवरेज 7, ठीक है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ये व्हाइट वाला जो लाइन से, ये सिंपल मूविंग एवरेज 5 का है, और ये जो लाइन है, ये जो व्हाइट वाला लाइन है, ये सिंपल मूविंग एवरेज 5 का है, और ये लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज 7 का है। मैंने क्या ट्रेड लिया था, जब जब 5 मूविंग एवरेज 7 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करेगा तब तब मुझे ट्रेड सेटअप करना है। आइए देखते हैं कहां मुझे सेटअप करना है। और मैं बाय साइड में इनिशिएट करना चाहता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्हाइट लाइन है ये इस लाइन को क्रॉस करेगा, जब जब ये 5 मूविंग एवरेज 7 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करेगा तभी मुझे ट्रेड सेटअप करना है। यहां पे देखिए ये जो पॉइंट था, यहां पे व्हाइट मतलब ये 5 मूविंग एवरेज 7 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया है, तो अगर मेरा ट्रेड सेटअप यहां पे एग्जीक्यूट होता है तो मुझे ये अमाउंट प्रॉफिट हो सकता है। यहां पे देखिए फिर से ये नीचे चला आया मतलब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम यहां पे ऊपर की तरफ गया तो यहां पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और ये देखिए यहां पे भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। ये 5 मूविंग एवरेज, 5 सिंपल मूविंग एवरेज, ये 7 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता हूँ। ऐसे ये टोटल ग्राफ दिखाया गया है। तो आइए अब हम हमारे जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक ट्रेड सेटअप करने के लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेट किया हूँ। आप अगर इसको मॉडिफाई भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्लियर बटन है यहाँ पे क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मल्टीपल पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपके जो जो पैरामीटर को लेकर आप ट्रेड सेटअप करते हैं तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग लेते हैं तो आपको मल्टीपल पैरामीटर सेट करना चाहिए, ताकि आपके लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। इसलिए आप मल्टीपल पैरामीटर पे अगर आप काम करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, इसलिए मैं एक ही पैरामीटर लेकर आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, आपके जो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपको स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी होता है। आप अगर कोई भी ट्रेड सेटअप करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं 0.5 का एक स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ, 0.5%। 0.5 मतलब आप जो भी अमाउंट पे सेटअप करेंगे ये ट्रेड, उसका ये 0.5 रहेगा। आप अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करके आपको डालना नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे 0.5 डाल सकते हैं, या फिर आपके लॉस करने का अपेटाइट जितना हो आप उतना डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाने के लिए ये डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉफिट 1% कमाना चाहता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 0.5। यहाँ पे ये जो अल्गो नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं टेस्ट केस 2 डाल देता हूँ, टेस्ट 2। अभी मैं ये बैक टेस्ट रन कर देता हूँ। ये बैक टेस्ट होता क्या है, ये बैक टेस्ट मतलब ये कुछ हिस्ट्री, मतलब कुछ पिछले वाले डेज को कैलकुलेट करके ये आपको दिखाएगा कि मैं जो पैरामीटर यहाँ पे सेट किया हूँ, अगर मैं इस पैरामीटर के मुताबिक अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो आइए आप देखते हैं कि ये बैक टेस्ट को रन करके देखते हैं। यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। देखिए ये स्क्रीन आया, यहां पे जो इनिशियल कैपिटल लिखा है ये आपका ओरिजिनल कैपिटल नहीं है, यहां पे आपको एक वर्चुअल कैपिटल डालना है ताकि ये बैक टेस्ट एग्जीक्यूट हो पाए। वहां पे मैंने 100 क्वांटिटी का बाय किया था, 0.5 स्टॉप लॉस लिया था और 1% प्रॉफिट लिया था। यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, CNC या फिर MIS। मैं यहाँ पे CNC सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा कैंडल
इंटरवल 5 मिनट था, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए कितने पीरियड का ये शो कर रहा है मुझे, ये 20th जनवरी 2018 से लेकर 18 फरवरी 2018 तक जो भी डाटा है उसके ऊपर इसने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे अगर मैं उसी पैरामीटर को लेके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता तो मुझे SBIN में 3165 रुपीस का लॉस होता और इन्फी में भी 7945 रुपीस का लॉस होता। तो मुझे अब क्या करना है, मैं उस पैरामीटर को लेकर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अगर मैं उसको लेकर एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे लॉस हो रहा है। तो इसलिए मेरा जो मेथड है उसको थोड़ा चेंज करना है और थोड़ा मल्टीपल पैरामीटर मुझे डालना है। मल्टीपल पैरामीटर डाल के मैं अपना टेस्ट को रन करूंगा, तभी जाके मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल मुझे ये टाइम पीरियड में 20th जनवरी 2018 से लेकर 18th फरवरी 2018 तक मुझे टोटल मैंने जो पैरामीटर सेट किया था उसके ऊपर 61 सिग्नल्स मिले थे और कितने टाइम मेरा प्रॉफिट हुआ है, 16 टाइम्स मुझे प्रॉफिट हुआ है और 44 टाइम्स मुझे लॉस हुआ है। तो मेरा जो पैरामीटर मैंने सेट किया था वो सही नहीं था। उसके बाद विनिंग स्ट्रिक मेरा 2 रहा है, लूजिंग स्ट्रिक मेरा 8 रहा है, मैक्सिमम गेन मेरा 560 था, मेरा लॉस था 945। तो उसके ऊपर एवरेज गेन और विनिंग ट्रेड मेरा कितना था और एवरेज गेन और लूजिंग ट्रेड मेरा कितना था, टोटल मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 14.04। तो यहाँ पे पूरा डिटेल समराइज करके शो कर रहा है कि अगर मैं वो ट्रेड लेता तो मुझे इतना अमाउंट 9.62% लॉस होता। तो मेरा जो ट्रेड सेटअप था मैं उसको चेंज करूंगा और चेंज करने के बाद मैं फिर से टेस्ट केस रन कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि ये टेस्ट केस सही है तो मैं कंफर्म के लिए जा सकता हूं। तो कंफर्म के लिए आप क्या करेंगे, ये जो डिप्लॉय वाला सिग्नल है यहां पे आप क्लिक करेंगे, आपने जो ट्रेड सेटअप किया है एग्जीक्यूट करने के लिए वो यहां पे कंफर्म होगा। तो मैं यहां पे कंफर्म के ऊपर ये जो डिप्लॉय है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ऐसे ही एक स्क्रीन आएगा, यहां पे आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके ट्रेड एग्जीक्यूट रहेगा, जब जब वो पैरामीटर मीट होगा तब तब आपके ट्रेड एग्जीक्यूट रहेगा। तो यहाँ पे आपके एक तो फायदा है, यहाँ पे आपके एक्यूरेसी बढ़ता है, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और जो तीसरा मेन इम्पोर्टेंट फायदा है, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को एक वर्चुअली देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी पैरामीटर लेके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट होने का चांसेस कितना है और लॉस होने का चांसेस कितना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है हमारे लिए। तो ये तो था पूरा इस जो एल्गो ट्रेडिंग है, कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे, कैसे ये प्लेटफॉर्म दिखता है, कैसे ये ट्रेड सेटअप करता है, कैसे ये एग्जीक्यूट करता है, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके इसके ऊपर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे अगर पता होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।